ठीक है, फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है इसको इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। और इनका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना कहते हैं, ठीक है। तो इट्स साइंटिफिक नेम इज राना टिग्रीना, ठीक है। नेक्स्ट इनका देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो अगर हैबिट और हैबिटेट देखेंगे, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट, तो इसमें हम देखेंगे कहां पर पाए जाते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन, देख रहे हैं, और इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन, फाउंड, ठीक है, ऑन लैंड, ठीक है। तो ये दोनों जगह पाया जाता है, लैंड पर भी और वाटर में भी। तो इट इज फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों है ना, तो याद रखेंगे ये मराइन वाटर में कभी भी नहीं पाए जाते हैं, इन फ्रेश वाटर, इन फ्रेश वेटर। मतलब इसका कहने का मतलब ये कैसा होगा, इट इज एम्फीबियस, इट इज एम्फीबियस होते हैं, ठीक है। दोनों जगह पाया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज एम्फीबियस, ठीक है, एम्फीबियस, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, हेंस इट इज एम्फीबियस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, एम्फीबियस होते हैं। तो इट इज AMPHIBIOUS, एम्फीबियस, मतलब कि ड्यूएल लाइफ, एम्फीबियन इसीलिए कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूएल लाइफ, ठीक है। तो दोनों लाइफ ये गुजारते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। और इनको वाटर भी जरूरत है क्या के लिए, वाटर इज इफ एसेंशियल, इट इज फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही वाटर जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, ये क्या होते हैं, ये पॉय किलो थर्म होते हैं। तो दे आर पॉय किलो थर्म्स एनिमल, ठीक है। तो ये एनिमल कैसे होते हैं, दे आर पॉय किलो थर्म, पॉय किलो थर्म मतलब क्या होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन एटमोस्फेरिक, ठीक है, एटमोस्फेयर, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर जैसे है ना चेंज हो रहा है, तो ये भी इसका बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं पॉय किलो थर्म, और इसी को कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो ये कैसा है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो कह सकते हैं पॉय किलो थर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, चेंज कर रहा है। तो बॉडी टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको एडेप्टेशन करना पड़ेगा ना। तो एडेप्टेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, तो ये एडेप्टेशन के लिए क्या करते हैं, ये समर और विंटर में स्लीप करते हैं। तो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, तो समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ये समर में स्लीप करते हैं, समर स्लीप, ठीक है। ग्राउंड के नीचे अंदर चले जाएंगे और वहां पर पड़े रहेंगे, ठीक है। वहां पर रेस्पिरेशन जो भी होगा क्या से होगा, जो भी होगा रेस्पिरेशन वो स्किन से होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे समर स्लीप कहते हैं, और विंटर स्लीप, तो विंटर स्लीप को हम एक टर्म कहेंगे क्या, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन हो गया। तो दिस इज नोन एज विंटर स्लीप, ठीक है। तो दे आर पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक एयर वाटर एयर। तो इसीलिए क्या करते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, एडेप्टेशन करना पड़ता है, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या होते हैं ये, कि ये जो है दे शो द फिनोमेना ऑफ कैमोफ्लेज, दे शो द फिनोमेना ऑफ कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज को कहते हैं हम मिमिक्री, दे शो द फिनोमेना ऑफ कैमोफ्लेज और मिमिक्री, ठीक है। तो कैमोफ्लेज और मिमिक्री क्या होता है, व्हाट इज कैमोफ्लेज मिमिक्री, तो ये कह सकते हैं कि बचने के लिए, ठीक है, प्रीडेटर्स वगैरह है अगर उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, बॉडी के कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। और दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव कलरेशन। तो दे शो द फिनोमेना ऑफ व्हाट,
प्रोटेक्टिव कलरेशन, तो यहां पर लिख दे रहे हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन, बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है। तो दिस इज क्या, हैबिट एंड हैबिटेट हो गया इनका। फिर हम देखेंगे क्या, इनका मॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, तो यहां पर हैबिट एंड हैबिटेट पहला देखें, सेकंड इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सेकंड इज मॉर्फोलॉजी, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज हैबिट एंड हैबिटेट था ये मॉर्फोलॉजी दूसरा। अब ये मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे क्या, इनका आप सबसे पहले स्किन देखेंगे, ठीक है, स्किन देखते हैं, फिर बॉडी डिविजन्स वगैरह देखेंगे। तो पहला देखते हैं स्किन, मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट वी विल सी स्किन, ठीक है, तो स्किन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी स्किन, तो स्किन के बारे में देख रहे हैं, तो स्किन कैसा होता है, तो ये देखते हैं स्किन। तो नेक्स्ट इज इट इज थिन, इट इज थिन, मॉइस्ट और स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। तो इनका जो देखेंगे कैसा होगा स्किन, तो ये स्किन याद रखना कैसा होगा, इट इज थिन, मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है, तो ये स्लिपरी होता है, इट इज थिन एंड स्लिपरी, मुलायम होता है। और स्लिपरी क्यों होता है, व्हाइट इज स्मूथ, तो आप सीधे कहेंगे बिकॉज इन देयर स्किन इज प्रेजेंट अ ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज व्हाट, दैट ग्लैंड इज नोन एज म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट। तो इनके स्किन में एक ग्लैंड होता है म्यूकस ग्लैंड, और ये म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है, दिस सिक्रीट्स व्हाट, दिस सिक्रीट्स म्यूकस, तो यहां लिख दे रहे हैं ये सिक्रीट करेगा क्या, म्यूकस सिक्रीट करेंगे म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करेगा, MUCUS भी कहते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट एंड दिस म्यूकस क्या करता है, कीप्स द स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी और मॉइस्ट रखता है एंड हेल्प्स इन क्या, रेस्पिरेशन। तो इसको मॉइस्ट स्किन से अगर होता है तो इसको क्या कहते हैं, क्यूटानियस रेस्पिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूटानियस रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्किन इज थिन मॉइस्ट स्मूथ एंड स्लिपरी, तो इट इज स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड विच सेक्रेट्स म्यूकस एंड कीप्स ऑलवेज मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है पहला। दूसरा इनमें हम देखेंगे क्या, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, तो स्केल्स आर एबसेंट माइनस एंटी, तो इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, फ्रॉग में कोई भी स्केल्स नहीं है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट देखेंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी स्किन में, ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इनका कलर कैसा होता है वो देखते हैं, स्किन का कलर, ठीक है, तो नेक्स्ट इज कलर, कलर, ठीक है। तो अगर कलर देखेंगे तो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, जैसे फ्रॉग ऐसे नीचे है तो नीचे वाला वेंट्रल साइड और ऊपर वाला डोर्सल, तो कलर अगर देखते हैं तो ये क्या लिख रहे हैं, दैट इज डोर्सल साइड, डोर्सल साइड कहने का मतलब ऊपर वाला, और वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड कहने का मतलब क्या हुआ, वेंट्रल साइड कहने का मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड का कलर कैसा है, ठीक है, कलर, ठीक है, तो कलर अगर देखेंगे तो कैसा होगा डोर्सल साइड, तो डोर्सल साइड जो देखेंगे, ठीक है, तो इट इज डोर्सल साइड अगर देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है, वो भी ग्रीन कैसा, उसको भी कह सकते हैं ओलाइव ग्रीन, तो यहां लिख दे रहे हैं OLIV, ओलाइव ग्रीन, ग्रीन विथ, और सभी जगह ग्रीन एकदम रेगुलर नहीं है, विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, ठीक है, तो इरेगुलर नहीं है, इरेगुलर याद रखेंगे, विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, तो यहां पे लिख दें डार्क इरेगुलर, इरेगुलर स्पॉट्स, अगर रेगुलर स्पॉट्स कर दे तो गलत हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे कैसे होते हैं कलर, और लाइव ग्रीन होते हैं विथ डार्क
इरेगुलर स्पॉट्स, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, ठीक है। उसी तरह जो वेंट्रल साइड नीचे देखेंगे कैसा होगा, येल्लो कलर होता है, कैसा होता है, इट इज येल्लो। तो इसको हम इससे से लिख दें, तो ये नीचे जो होता है दैट इज वेंट्रल साइड, इट इज पेल येल्लो, पेल येल्लो। पेल येल्लो कहने का मतलब क्या हो गया, हल्का, लाइट येल्लो, ठीक है। तो ये कैसा है, लाइट येल्लो है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे, ये स्किन जो होता है ना, स्किन जो होता है इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर, तो पानी में रहते हैं ना, तो ये स्किन से इजीली अंदर पानी जाते हैं, तो इसीलिए इनको पानी पीने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इवन इनमें देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में इजीली पानी अवेलेबल हो रहा बॉडी को, ठीक है। तो एक फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हैं कि स्किन जो है इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर, इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर, तो ये क्या करता है, ये वाटर ऑब्जॉर्ब करता है, ऑब्जॉर्ब्स H2O, ठीक है। तो इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर एंड हेंस कह सकते हैं, इसीलिए फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इसीलिए कहते हैं फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर H2O, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर, इसीलिए फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। वाई फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, क्योंकि ऑब्जॉर्ब वाटर जो है स्किन से इजिली क्या हो रहा है, इजिली अंदर जा रहा है, तो इसीलिए इसको पानी पीने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये नेवर ड्रिंक्स वाटर। तो ये मॉर्फोलॉजी में हम देखें स्किन, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में स्किन। अब नेक्स्ट जो देखेंगे डेट इज स्किन देखें, नेक्स्ट जो देखेंगे बॉडी डिविजन्स, ठीक है। तो बॉडी का डिविजन्स देखते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट बॉडी डिविजन्स, बॉडी डिविजन्स मॉर्फोलॉजी में पहला स्किन था, दूसरा बॉडी डिविजन्स, ठीक है। तो बॉडी डिविजन्स अगर देखेंगे, ठीक है, तो बॉडी को क्या में बांटा गया है, तो द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है, और ट्रंक, ठीक है। बीच में क्या होता है, नेक होता है ना, तो नेक इसमें एब्सेंट होता है, हाँ टेल भी फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, बॉडी डिविजन्स क्या हो जाएगा, तो हेड एंड ट्रंक, ठीक है। तो हेड और ट्रंक में बटा हुआ है, ठीक है, हेड एंड ट्रंक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज नेक एंड टेल आर, टेल माइनस एंटी, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो ये एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं दैट इज हेड एंड ट्रंक, इसमें बटा हुआ है, ठीक है, ये दोनों के दोनों एब्सेंट है, नेक एंड टेल इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे हेड, तो हेड में हम क्या देखेंगे, हेड में देखेंगे कि क्या होता है, आईज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आईज यहां पर भी होंगे आईज, और ये आईज क्या होगा, उसमें निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो और निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होगा, पानी में रहते हैं ना, तो पानी वगैरह से क्या होगा, उससे बचाएंगे पड़ने से, ठीक है। तो हेड को कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट लिख रहे हैं कि हेड में क्या होगा, आईज होंगे, और आईज में याद रखना है कौन सा मेम्ब्रेन, निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन, आईज में निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होते हैं, यहां पर प्लस एंटी प्रेजेंट। तो ये याद रखना है कि आईज है, और आईज में क्या होते हैं, आईज में निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, निक्रेटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इट प्रिवेंट्स द फ्रॉग फ्रॉम वाटर, वाटर पड़ने से, कीचड़ पड़ने से बचा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रंक जो देखेंगे, तो ट्रंक में मेनली क्या है, ट्रंक में मेनली, ठीक है, तो ट्रंक में मेनली देखेंगे क्या होगा, दोनों हाथ दोनों पैर जो कहते हैं ना, तो लिम्ब्स, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या है, लिम्ब्स, ठीक है, लिम्ब्स होंगे। तो ट्रंक में जो भी होगा क्या होगा, ट्रंक हैज लिम्ब्स, और ये लिम्ब्स कितने होंगे, इट इज लिम्ब्स, यहां लिख दे रहे लिम्ब्स होगा, दिस लिम्ब्स कितने होंगे, इट इज टू पेयर्स, तो ये दो पेयर्स होंगे, टू पेयर्स होंगे, ठीक है। और ये लिम्ब्स क्या में हेल्प करता है, अच्छा ये लिम्ब्स तो देखेंगे दो हैं, लेकिन ये क्या, एक को फॉर लिम्ब कहते हैं और एक को हाइंड लिम्ब कहते हैं, तो वन इज नोन एज फॉर लिम्ब एंड अदर इज नोन एज हाइंड लिम्ब। तो यहां पर लिख दे रहे फॉर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, तो ये फॉर लिम्ब भी है और हाइंड लिम्ब भी है, ठीक है, तो ये याद रखना है।
अब ये देखिए, फॉरलिम्ब हो चाहे हैंड लिम्ब हो, ठीक है, फॉरलिम्ब हो चाहे हैंड लिम्ब हो, ये क्या में हेल्प कर रहे हैं लिम्ब्स? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टू पेयर्स हैं, इट हेल्प्स इन व्हाट? तो इट हेल्प्स इन वॉकिंग, वॉकिंग ठीक है, जंपिंग मतलब लीपिंग, जंपिंग मीन्स लीकिंग, लीपिंग ठीक है, लीपिंग, फिर बरोइंग, बरोइंग ठीक है, और कह सकते हैं नेक्स्ट वन इज क्या, उसको क्या कहते हैं, पानी में तैरने के लिए स्विमिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन स्विमिंग, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो दिया है लाइन हम वही कोशिश कर रहे हैं लिखने का। तो ये लिम्स होते हैं, एंड लिम्स हेल्प्स इन व्हाट? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट हेल्प्स इन वॉकिंग, वॉकिंग, लीपिंग, लीपिंग मतलब कि जंप करना, बरोइंग ठीक है, सुरंग बनाना, अंदर जाना, मिट्टी के अंदर जाते हैं ना, तो इसी से बनाकर, और तैरने में भी हेल्प करते हैं ठीक है। नेक्स्ट, फॉरलिम्ब और हैंडलिम्ब, वन पेयर, वन पेयर हो गया ठीक है, तो दिस इज वन पेयर एंड दिस इज वन पेयर, तो ये हो गया ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है, फॉरलिम्ब और हाइंड लिम्ब्स में ठीक है, दोनों में अगर कहेंगे अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो अंतर क्या है, तो यहां पर देखते हैं अंतर। तो पहला तो अंतर देखेंगे कि क्या है, कि अगर साइज देखेंगे इनका, क्या देखेंगे, साइज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं साइज। नेक्स्ट इफ विल सी साइज, यहां लिख दे, हाँ साइज, तो साइज अगर देखेंगे तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज लार्जर ठीक है, क्या है, लार्जर, बड़ा होता है ठीक है, एंड मोर मस्कुलर, क्योंकि जंप करना है ना पीछे से, तो लिपिंग करना है, तो मोर मस्कुलर ठीक है, एंड मोर मस्क्यूलर ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज क्या, इट इज लार्जर एंड मोर मस्कुलर, ये दिया है, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये साइज में इसका क्या होगा, स्मॉलर होगा, ये जब दिया है तो ये स्मॉलर होगा ठीक है साइज। इसके बाद डिजिट्स देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, डिजिट्स, डिजिट्स ठीक है, जिस तरह उंगली है ये फिंगर्स, तो इसमें कितने डिजिट है, पांच, पैर वाले में पांच, हम लोग में ठीक है, उसी तरह इनमें देखेंगे, ये जो अंगूठा होता है ना ये नहीं है, तो कितने हैं, चार डिजिट्स ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कितने डिजिट्स होंगे, इसमें फोर डिजिट्स है, इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें पांच डिजिट्स, तो याद रखेंगे इसमें चार हैं, इसमें, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, जो अंगूठा है ग्रेटर थंब उसको पॉलेक्स कहते हैं, पॉलेक्स इज एब्सेंट, पॉलेक्स इज -NT एब्सेंट, तो पॉलेक्स इसमें नहीं होता है, इसमें पांच है, मतलब जो अंगूठा, यहां देखे ग्रेटर थंब, ग्रेटर टू होगा ना नीचे, तो ग्रेटर टू इसमें होता है, और उसको क्या कहते हैं हम, उसको हॉलेक्स कहते हैं, HALLUX, हॉलेक्स, तो हॉलेक्स इसमें क्या है, प्रेजेंट होता है ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हॉलेक्स प्रेजेंट। तो इसमें जो डिजिट्स देखेंगे, आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में कि इसमें चार होते हैं और इसमें पांच होते हैं ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर इसका फेरेंजियल फार्मूला लिखेंगे तो ये कितना होता है, फेरेंजियल फार्मूला लिखेंगे तो चार है ना, तो इसको कहते हैं पॉलेक्स नहीं है, तो अंगूठा नहीं है ये वाला, जीरो, इसमें, इसमें देखेंगे 2 2 3 3 इस तरह, तो देख रहे हैं 2 2 4 3 7 10, टोटल कितने हैं फेलेंजेस कह सकते हैं, 10 है ऐसे ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 2 2 0 2 2 3 3, उसी तरह इसमें देखेंगे पांच डिजिट्स है, कितने इसमें अगर होंगे फैलेंजेस जो देखेंगे गिनकर, तो यहां पर हम देखेंगे कितना, तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं 2 2 3 4 3 ठीक है। तो देख रहे हैं 2 2 3 3 है, 2 2 3 3 है, बस बीच में क्या है, याद रखिएगा बीच में 2 2 3 3, 2 2 3 3 है, बस बीच में क्या है, एक यहां पर एक फोर है, ऐसे याद रखने के लिए ठीक है। तो टोटल इसमें क्या, 4 3 7 3 10 11 12 13 14 इसमें फैलेंजेस इस तरह के हैं, और ये कितने हैं, डेट इज 10 ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया डिजिट्स की बात ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, वेब्स देखते हैं एक ठीक है, वेब्स, तो दिस इज डिजिट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज वेब्स, तो यहां पर देखते हैं वेब्स, वेब्स ठीक है। तो वेब्स देखेंगे क्या है, कि इट हेल्प्स इन स्विमिंग ठीक है, तो ये स्विमिंग में हेल्प करता है, और ये फॉरलिम्ब में नहीं, हाइंडलिम्ब में होता है, कहां पर होता है, ये हाइंडलिम्ब में होता है, तो ये कह सकते हैं कि फॉरलिम्ब वेब्स इसमें एब्सेंट है, और इसमें प्रेजेंट कहां पर है, ये हाइंडलिम्ब में प्रेजेंट है, और हियर इट हेल्प्स इन व्हाट,
हियर इट हेल्प्स इन स्विमिंग। तो ये याद रखना है कि यहां पर नहीं होता है, यहां पर होगा और स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि फॉर लिंब ये वेब्स आर प्रेजेंट इन कहां पर, देयर फीट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया वेब्स आर प्रेजेंट इन देयर फीट। तो फीट कहने का मतलब क्या हुआ, फीट मतलब यहां पर कहने का मतलब हिंड लिंब से मतलब है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है फीट। ठीक है, फीट, तो ये कह सकते हैं कि वेब्स आर प्रेजेंट इन कहां पर, दे आर फीट, इन द फीट ऑफ फ्रॉग। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हाइंड लिंब में प्रेजेंट है, फॉर लिंब में नहीं है। हाँ, इसको अगर कहना चाहते हैं तो इसको कह सकते थे क्या, इसको हम कह सकते थे कौन सा, फ्रंट लेग कहेंगे, लेग कह सकते हैं लेकिन फ्रंट लेग। ठीक है, तो ये नहीं। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वेव्स आर प्रेजेंट इन देयर फीट एंड हेल्प्स इन व्हाट, स्विमिंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, नेक्स्ट इज देख रहे हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक्सेस आर सेपरेट। तो यहां पर क्या होते हैं कि कहें कह सकते हैं कि सेक्सेस आर सेपरेट, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देख रहे हैं। तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, तो इसको लिख दे रहे हैं सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में यहां पर लिख दें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल को अलग अलग होते हैं तो दोनों में डिफरेंस देख ले, तो मेल और फीमेल में क्या है, तो यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए मेल इधर मेल इधर फीमेल। ठीक है, तो ये मेल है, दिस इज मेल, और ये क्या हो गया फीमेल हो गया, तो ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल में दोनों में अंतर क्या हो गया, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो यहां पर मेल और फीमेल। तो यहां पर कह सकते हैं कि मेल में क्या होता है ना कि वोकल सैक होता है, कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, तो वोकल सैक, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, यहां पर हम कह सकते हैं वोकल, वोकल सैक। ठीक है, तो वोकल सैक इज व्हाट, इट इज एक्चुअली साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं यहां पर इसी में कि एक पैड और होता है। ठीक है, वोकल सैक तो है ही, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, मीटिंग कॉल्स भी निकालते हैं कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि कॉपुलेटरी पैड एक होता है, उसी को नपचुअल पैड और एम्प्लेक्सरी और एम्प्लेक्सस पैड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है इसमें, वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेटिंग। ठीक है, तो मेल फ्रॉग जो है ना फीमेल फ्रॉग के बैक पर बैठ जाते हैं और उसको पकड़ के कस के पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ नपचुअल और कॉपुलेटरी पैड, तो इट हेल्प्स इन मेटिंग, कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये मेल में है, फीमेल में नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं कॉपुलेटरी पैड, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉपुलेटरी पैड कहते हैं इसी को, और क्या कहते हैं नपचुअल पैड, NUPTIL, इसी को नपचुअल भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है एम्प्लेक्सस भी कहते हैं, एम्प्लेक्सस, EMPLEXUS, एम्प्लेक्सस, और एम्प्लेक्सरी पैड भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लेक्सस और एम्प्लेक्सरी पैड। ठीक है, तो ये देखिए ये पैड, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एम्प्लेक्सस पैड, तो ये भी पैड होते हैं इसमें। ठीक है, और ये एम्प्लेक्सस पैड, तो यहां पर देख रहे हैं कि मेल में होगा और फीमेल में नहीं होगा। ठीक है, अब ये एम्प्लेक्सरी पैड जो है, एम्प्लेक्सस चाहे कॉपुलेटरी पैड है, एक्चुअली में ये कहां पर होते हैं प्रेजेंट, तो अभी हम बताए थे ना कि ये फॉर लिंब है, तो फॉर लिंब का ये क्या है, फॉर लिंब का ये जो देखे थे कि पॉलेक्स, इसको कहते हैं पॉलेक्स। ठीक है, ऐसे भी फ्रॉग क्या होता है, ऐसे याद रखिए, ये वोटिंग करने जाते थे तो पहले क्या होता है, इसी से पोलिंग करते थे ना बूथ पर, इसी से ऐसे करते थे, तो याद रखिए फ्रॉग इलेक्शन नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलेक्स नहीं है, पोलिंग नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे याद रखने के लिए। ठीक है, तो पॉलेक्स इसमें देखे थे ना, पॉलेक्स एबसेंट है, यहां क्या देखे हैं, पॉलेक्स एबसेंट। ठीक है, तो पॉलेक्स एबसेंट है, तो ऐसे याद रखिए यही वाला मॉडिफाई हुआ, क्या बना दिया है ये वाला, तो यही बना दिया है कॉपुलेटरी और नपचुअल पैड। ठीक है, तो व्हाट इज कॉपुलेटरी पैड, इट इज एक्चुअली फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फॉर लिंब, फॉर लिंब का फर्स्ट डिजिट ही है ये।
ठीक है, तो ऐसे आपको याद भी रहेगा। तो ये क्या है एम्प्लेक्सस ऑफ पैड, तो इट इज फर्स्ट डिजिट्स, क्या है ये फर्स्ट डिजिट्स ऑफ किसका है, ऑफ फॉर लिंब, हाइंड लिंब नहीं, याद रखना है ऑफ फॉर लिंब। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉर लिंब जो है वो क्या है, यही है नपचुअल पैड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज बॉडी डिविजन्स, ठीक है, ये क्या हो गया बॉडी डिविजन्स एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है,